हेलो एवरीवन। तो डीएनए के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो स्क्वाड के लिए सबको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था कि टीम इंडिया की स्क्वाड कब आएगी, तो वो स्क्वाड तो अब आ चुकी है। लेकिन पूरे स्क्वाड पे हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनको रखा गया है और कौन से प्लेयर्स को 15 की स्क्वाड से बाहर किया गया है, तो उस पर पूरी नजर रख लेते हैं। तो हमारे साथ इस लाइव सेशन में देवदत्त सर है जो बीसीसीआई एनसीए लेवल ए के कोच है और लव हमारे साथ लाइव सेशन में है। तो पहले एक बार पूरी स्क्वाड देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको 15 मेंबर स्क्वाड में रखा गया। जी तो मेरा सर आपसे और लव दोनों से पहले एक सवाल होगा। लव, मैं आपसे यही चीज पूछना चाहूंगा कि आपको अभी तक ये 15 मेंबर की स्क्वाड में कौन सा प्लेयर लग रहा है जिसको इंक्लूड होना चाहिए था और उनको नहीं लिया गया है? मुझे सबसे बड़ा जो सेटबैक लग रहा है वो है एक रिंकू सिंह, जिनको रिजर्व प्लेयर की कैटेगरी में रखा गया है। मेरे अकॉर्डिंग उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए इनफैक्ट, और उनको 15 प्लेयर के स्क्वाड में भी नहीं रखा गया। एक तो ये चीज मुझे इसका रीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप आईपीएल के फॉर्म को भी कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि खलील अहमद आउट ऑफ नोवेयर वापस आ गए हैं स्क्वाड में, और शायद ये आईपीएल का ही कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस उनका रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रखा गया है। नहीं, मैं तो रिजर्व नहीं, मैं 15 की मेन बात करूंगा कि पहले 15 में जिसका नहीं होना। देखिए, चहल की भी वापसी आईपीएल की परफॉर्मेंस को ही देखते हुए हुई है, तो मुझे लग रहा है कि अगर रिंकू होते तो मेरे हिसाब से काफी बेटर रहता। मैं प्लेइंग 11 में सोच रहा था, बट उनको 15 मेंबर की स्क्वाड जो घोषित हुई उसमें नहीं रखा गया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। जी, और किसकी जगह, मतलब कौन सा प्लेयर होता है जिसकी जगह मतलब आप बाहर करते आप, अगर हम पूरा स्क्वाड देखते तो? अक्षर पटेल की जगह, क्योंकि अपने पास जडेजा है और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल और जडेजा चार स्पिनर है अपने पास, तो अननेसेसरी वाली बात है कि चार स्पिनर और तीन पेसर्स, तो शायद एक स्पिनर कम करके आप रख सकते थे। जी हाँ, ये हो सकता था, क्योंकि अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों ही बिल्कुल लाइक टू लाइक स्पिनर्स हैं, दोनों ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी लेफ्ट हैंडेड, और बीच में ही मिडल ऑर्डर में ही रहता है उनका, तो बिल्कुल सेम तरीके के प्लेयर्स को ना रख के रिंकू सिंह एक नया एडिशन हो सकता था जो हमें फिनिशर रोल में प्ले कर सकता था। शिवम दुबे जिस मैच में नहीं होते, या फिर हमने देखा है कि स्लो पिचेस पे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया भी है रिंकू सिंह ने। मुझे सबसे जरूरी मैच जो उन्होंने जिताया था केकेआर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले सीजन में, वो कुछ इसी तरीके का मैच था। और यूएसए और वेस्ट इंडीज की पिच देखे तो वहां पर थोड़ी स्लो विकेट ही रहती है। तो देवदत्त सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा यही चीज, अगर आपको हमारी अगर आवाज आ पा रही है क्या, कि कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है कि अभी जो हमारे सामने स्क्वाड दिख रही है उसमें नहीं है जिसको शामिल करना चाहिए था? शायद टेक्निकल इशू की वजह से सुन नहीं पा रहे इसमें। जब तक लव हम ये देख लेते हैं कि दो तीन नाम है जिनको मतलब अभी तक T20 इंटरनेशनल तक नहीं खिलाया जा रहा था, पूरे अगर हम 1 से 2 साल की बात करें तो उनका उनका नाम हम देख लेते हैं कि संजू सैमसंग उसमें नाम है और साथ में नाम है उसमें, अगर हम देखें तो ऋषभ पंत काफी टाइम से कमबैक कर रहे थे और बाहर थे इंजरी की वजह से, तो उनका भी आईपीएल में कमबैक हुआ है तो उनका नाम इंक्लूडेड है, और चहल का। सर, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है मेरी। हाँ, तो सर मेरे यही सवाल था कि ये अभी जो आपके सामने स्क्वाड दिख रही है इसमें कौन सा प्लेयर है जिसको इंक्लूड होना चाहिए था 15 मेंबर की स्क्वाड में और बाहर किया गया उसको? मेरे हिसाब से तो इसमें रिंकू सिंह को भी टीम में आना चाहिए था। रिंकू सिंह ने भी देखो इतनी मेहनत कर रहा है और देखो हर टूर्नामेंट में उसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो इसमें स्क्वाड में रिंकू सिंह का भी नाम होना चाहिए था।
बाकी आप मतलब पूरे ओवरऑल स्कोर से आप सेटिस्फाई हैं जो पूरी इंडिया की अभी स्क्वाड बनी T20 वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, मैं पूरे जो स्क्वाड बनाया इंडिया टीम का वो बहुत अच्छा स्क्वाड बनाया है, बस मेरे को एक कमी खल रही है जिसमें रिंकू सिंह का, वो टीम में डिजर्व और आप किस प्लेयर को बाहर करते हैं अगर इसमें रिंकू सिंह अगर जगह बना दे? हाँ, संजू सैमसन को देखो टीम में मौका दिया, बहुत खुशी की बात है, वो इतने कई टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे थे और IPL में अभी भी रिसेंटली मैं देखो राजस्थान की तरफ से, तो उनको मौका सभी ने था, संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, उनका बहुत अच्छा विकेट कीपर। और ऋषभ पंत देखो कम बैक किया है, कम बैक करने के बाद भी अभी 2-3 इनिंग खेली उनने दिल्ली कैपिटल की तरफ से, लाजवाब इनिंग खेली थी, टीम बिल्कुल बढ़िया बनाई है। बाकी एक मिस कर रहा है तो एक रिंकू सिंह को मिस किया है, बाकी T20 के हिसाब से बाकी जो सिलेक्टरों ने जो टीम बनाई है देखो सोच समझ के बनाई है, मैं उनके क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, पर एक को टीम में मौका रिंकू सिंह को देना चाहिए। जी अभी हमारे पास एक सवाल भी आया और मतलब कमेंट किया उन्होंने टीम पे, कृष्णा का ये सवाल है कि नो सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन IPL परफॉर्मेंसेस, तो सर आपको लग रहा है कि जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं कहीं वो IPL परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हुए हैं? क्योंकि T20 इंटरनेशनल की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको लास्ट ईयर से मौका मिल ही नहीं रहा था, अगर हम उसमें देखें युजवेंद्र चहल का नाम है और उसमें अगर हम शिवम दुबे को भी देखें तो वो भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेल रहे थे काफी टाइम से, संजू सैमसन भी है, ऋषभ पंत भी है, तो ओवरऑल IPL परफॉर्मेंसेस को इस बार थोड़ा सा प्रायोरिटी मिली है? नहीं, IPL परफॉर्मेंस देखो एज ए T20 फॉर्मेट है उसको भी देखो देख के ही सिलेक्टरों ने जो परफॉर्मेंस, T20 ही वर्ल्ड कप है ICC, तो हम सिलेक्टरों ने देखो सब चीज देखा है, एक मैं एक टूर्नामेंट से उन्होंने नहीं देखा, एक टूर्नामेंट से टीम को उठा के बना दिया उन्होंने, पीछे की परफॉर्मेंस थी उनकी लास्ट कई सालों से देखी थी उन्होंने, बहुत ही अच्छा कर रहे थे, तो शिवम दुबे है जो बहुत अच्छा एस्टरी ऑनरी प्लेयर हैं सब, और ऋषभ पंत भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टीम बनाई है, वैसे एक मिस किया है रिंकू सिंह, और बाकी तो टीम बिल्कुल बैलेंस के हिसाब से बनाई है। जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रिंकू सिंह और साथ में शुभमन गिल और खलील अहमद और आवेश खान, ये चार प्लेयर हमारे रिजर्व हैं, तो मतलब ये जाएंगे तो सही टीम के साथ, लेकिन कोई भी प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो ही इनको चांस मिलेगा, तो अभी ये नहीं है कि रिंकू सिंह का T20 खेलना बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं, वो रिजर्व प्लेयर में है, तो अब बस ये होप तो कोई भी नहीं करेगा कि अब 15 मेंबर की स्क्वाड में से कोई इंजर्ड हो, लेकिन अगर इंजर्ड होता है तो इनमें से किसी को भी मौका मिल सकता है, अगर ओपनर इंजर्ड होगा तो शुभमन गिल को मौका मिल सकता है, और अगर हम बॉलर की बात करें तो फास्ट बॉलर कोई भी अगर इंजर्ड होता है तो खलील अहमद या फिर आवेश खान को मौका मिल सकता है, लेकिन सर मेरा जी आवेश खान भी एज अ मैंने कई मैचों से देख रहा है अच्छा बॉल डाल रहे हैं, IPL में अच्छा बॉल करा है, और NCA में भी मैंने देखा था उनको, NCA में मैं भी खुद था, वो अच्छा बॉल नेट में अच्छा बॉल करा है, अच्छा स्विंग होता है उनका बॉल। जी और आपने अभी NCA का जिक्र किया है तो विकेट कीपर्स की तरफ जरूर मैं बात करना चाहूंगा कि ऋषभ पंत आपने देखा कि पिछले साल से पूरा रिकवरी मोड में ही थे और जो हमें IPL में हर मैच बाय मैच देखे तो उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी बढ़ रही है और बैटिंग में भी वो रिफ्लेक्सेस हमें देखने को मिले। नहीं नहीं देखो ऋषभ पंत जो है अपने हार्ड वर्किंग, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद देखो वरना देखो अपने आप में प्लेयर को डिस्पेंड करता है, उन्होंने कड़ी मेहनत करी, NCA में भी जाके जो भी टाइम मिला अपना फिटनेस वर्कआउट करा है, और देखो जो NCA फिट करती है जब भी प्लेयर को मौका मिलता है खेलने का, उन्होंने पूरा अपना वर्कआउट नेट में पसीना बहाया है, और कुछ चीजें भूल के देखो, और आपने अभी पिछले दो एक दो इनिंग उन्होंने पिछले IPL पिछले मैच में तो जल्दी आउट हो गए थे, और उससे पिछला जो मैच ही था एकदम लाजवाब पारी खेली थी जी, तो लेकिन अगर हम फर्स्ट विकेट कीपर प्रेफरेंस देखें, मेरा लव से भी यही सवाल होगा और आपसे भी कि किसको रहना चाहिए, ऋषभ पंत को या संजू सैमसन को, क्योंकि बैटिंग पोजीशन भी देखें तो मुझे लगता है कि विकेट कीपर की बनती भी है जगह, अगर विराट कोहली ओपनिंग करते हैं तो नंबर 4 और अगर विराट कोहली नंबर 3 पे आते हैं तो नंबर 5। नहीं मेरे को देखो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं संजू सैमसन को ही दूंगा, संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर, आप ऋषभ पंत को जैसे कीपिंग के बेस पे नहीं तो एज ए बैटिंग बैटिंग के तौर पर रख सकते हो, बीच में उतार सकते हो, मगर एज ए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में विकेट कीपर रहना चाहिए। लव आपका इसमें क्या रहेगा टीम की, संजू सैमसन या ऋषभ पंत? सर मेरा बस यही सवाल लगेगा कि अगर संजू सैमसन फिट करते हैं और ऋषभ पंत भी सेम टीम में है तो संजू सैमसन की बैटिंग ऑर्डर कहाँ, मतलब किस बैटिंग ऑर्डर में, किस लाइनअप के हिसाब से बैटिंग लाइनअप में कहाँ किस नंबर पे भेजा जाएगा उनको? देखो संजू सैमसन आप मिडल ऑर्डर पे भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है तो आप देखो सारे तो ओपनर ही नहीं जा सकते सारे थर्ड डाउन, तो आप हमें बीच में भी तो अपना मिडल ऑर्डर भी तो मजबूत करना है, देखो रोहित शर्मा है,
अपने एज ए ओपनर बैट्समैन है। हार्दिक पांड्या भी है, मैं जैसे मिडल ऑर्डर में जैसे हिटिंग का जैसे मौका मिलता है तो आपने रन बना के कवर कर सकते हैं। अब ऐसे ही अपना ये अपना ऋषभ पंत है, आप चाहो ओपनर के तौर पे भी रख सकते हो, चाहो तो उनको मिडल ऑर्डर पे बीच में रखते तो उसको 20-30 बॉल जैसे 18-20 बॉलें मिलेंगी तो उसने 50-60 रन आराम से बना सकते हैं। ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि जैसे ऋषभ पंत को 2-3 मैचेस में अगर हम देखें तो मुझे याद है कि ट्राई किया गया था एज एन ओपनर भी, वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग भी कर रहे थे, तो अगर दोनों विकेट कीपर खिलाना है तो हम ऋषभ पंत को एज एन ओपनर खिलाएं और संजू सैमसन को मिडल ऑर्डर में। हाँ ये हो सकता है टीम के बेटर, लेकिन ये भी हो सकता है। देखो टीम को करना तो देखो करना पड़ेगा, देखो संजू सैमसन भी अच्छी फॉर्म में है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों ही ने अच्छा है तो आपने उनको भी देखो इसके लिए इस मौके के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और देखो मौका जो बाकी जो फाइनल टीम जो बनाते हैं कोच, जो टीम एज ए कैप्टन एज ए सोच समझ के ही सिलेक्शन करेंगे 11 का, बाकी मेरे हिसाब से तो इस समय बहुत ही बेस्ट टीम बनाई है जो मैंने अभी तक देखा। बाकी रिंकू सिंह शायद कोई देखो कोई इंजर्ड ना हो, बाकी टीम बढ़िया है, बाकी रिंकू सिंह थोड़ा मिस हुए हैं, अब सारे प्लेयर तो टीम में नहीं आ सकते ना, बाकी रिंकू सिंह भी अच्छा प्लेयर। तो आप दोनों अपनी अपनी एक बार हमारे सामने स्क्वाड दिख रही है तो क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है जिस तरीके से 2 जून से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, और पहले मैच की बात करें तो पहला मैच होना है इंडिया का 5 जून को इंडिया वर्सेस आयरलैंड, तो उसके लिए क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है अगर हम कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो? अर्पित मैं एक बार सर सवाल करना चाहूंगा कि सर आपको क्या लग रहा है कि सिराज का जो एक फॉर्म है आरसीबी की तरफ से खेलते हुए और इनफैक्ट इंडिया की तरफ से भी जब वो T20 में खेल रहे थे तो काफी रन कंसीड करते हैं, इकोनॉमी काफी महंगी रहती है, तो क्या उनकी जगह किसी और कंक्लूजन होना चाहिए था या सिराज आपके लिए मतलब सही है, प्लेइंग 11 में जगह बनेगी उनकी? मैं नहीं बोल रहा है क्या जी? आप जी सर, जी सर आपसे ही सवाल पूछ रहा। अच्छा अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई ओवर भी स्टूडियो में बैठा है। नहीं, सिराज जैसे अच्छा गुड बॉलिंग, मैंने सिराज देखो मौका है अच्छा, देखो बहुत ही कई टूर्नामेंटों में अच्छी इनिंग पे मौका भी इंडिया की तरफ से पीछे पीछे टूर्नामेंट खेले हैं, अच्छा बॉल डाल रहे हैं फिजिकली इनका, ऐसा नहीं कि गुड बॉलर है वो, ऐसा कुछ नहीं जी। तो बेस्ट प्लेइंग 11 आप दोनों बता दीजिए सर मेरा आपसे कि क्या कॉम्बिनेशन लगता है कि जो जा सकती है जिससे 5 जून को जो पहला मैच होना है इंडिया वर्सेज आयरलैंड। अपना ये अपना रोहित शर्मा कैप्टन जी वो ओपनिंग करेंगे, और उनके साथ कौन लग रहा है कि ओपनर होगा? जी सर आपका लगता है माइक माइक बंद हो रहा है। ऋषभ पंत हो गए जी, आपको लग रहा है कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए और नंबर 3 फिर हम सूर्य कुमार यादव को देखें। जयसवाल हो गए जी जी जी, तो ऋषभ पंत या जयसवाल में से एक हो सकते हैं, विराट कोहली नंबर 3, जयसवाल और ऋषभ पंत में से एक ओपनिंग कर सकते हो, विराट कोहली नंबर 3। हाँ विराट कोहली नंबर 3 आ सकते हैं जी। हाँ विराट कोहली हो गए, संजू सैमसन नंबर 4 पे आप चाह रहे हैं कि संजू सैमसन आए। हाँ फिर अपने नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या हो गए जी जी जी, तो नंबर 5 हार्दिक पांड्या रहते हैं और फिर छठा और सातवां पोजीशन हमारे पास रहता है जो फिनिशिंग रोल के लिए। अपने पास रविंद्र जडेजा हो गए, रविंद्र जडेजा छठे नंबर पे, और सातवें पे अगर हम देखें तो फिर शिवम दुबे रखें या फिर आप चाह रहे कि 5 बॉलर्स या 6 बॉलर्स के साथ टीम इंडिया पूरा स्पेशलाइज करें? नहीं नहीं हम 5 देखो अपने 3 मीडियम पेसर रखे, जैसे 2 मीडियम पेसर तो एक हो गए रविंद्र जडेजा हो गए, बॉल भी डाल लेता है जी जी जी, वो ऑलराउंडर तो हमारे साथ हो गए हैं छठे नंबर पे अगर हम देखें जडेजा, और एक ऑलराउंडर और देखें तो फिर इसमें अक्षर पटेल या शिवम दुबे इनको इंक्लूड किया जा सकता है। अक्षय पटेल को हम टीम में रख सकते हैं जो पहला मैच में जैसे हमने कराएंगे अक्षय, क्योंकि मौका हमने सभी को देना है, एक दो रिट्री करना है जी। अक्षय पटेल जिन पे देखो वो हो गए, फिर उसके बाद जो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, ये एक वैसे तो इनकी कुलचा की जोड़ी थी एमएस धोनी के सामने, लेकिन अभी देखे तो रविंद्र जडेजा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो एक लेग स्पिनर या चाइना मैन में से कौन होना चाहिए, कुलदीप यादव या फिर युजवेंद्र चहल? कुलदीप यादव यादव होना चाहिए, चहल भी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, ये नहीं है, पर कुलदीप यादव मेरे जी। तो फिर उसके बाद हमारे पास 3 सीमर्स ही बचते हैं जो कि होंगे, जो अगर हम 15 की स्क्वाड में देखें तो
सिराज बुमराह और बुमराह अर्चली। हो गए जी, तो तीनों तीनों ही आप चाह रहे हैं कि तीनों फास्ट बॉलर्स खेलें, बुमराह सिराज और अर्चली। तीन तो फास्ट बॉल खेलेंगे, तीन जी तो तो, रखेंगे। लेकिन आपने एक प्लेयर जो बहुत ही मेजरली T20 में इंडिया के लिए अच्छा किया है, तो आपको लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव को अभी पहले प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए? देखो मैं अभी मैं प्लेइंग 11 में, देखो मैंने जो इस हिसाब से टीम बनाई, टीम बहुत ही अच्छी बनी है, मैं ये नहीं कह रहा जी जी टीम नहीं जी बनी है, पर जी पहले मैच में हम सबको तो नहीं खिला सकते, 15 में से 15 को नहीं तो बिल्कुल खिला सकते, रख रहे तो 11 ही है ना। जी 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 हाँ लो, आपको अब अब देखो सर की टीम में आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको लग रहा है अपने ओपिनियन में कि ये होना चाहिए, या फिर ये टीम ज्यादा अच्छा कर सकती है अगर हाँ हम मेरे कॉम्बिनेशन हिसाब वाइज करें? मैंने जो मैंने अपनी जो प्लेइंग है, मेरे को लगता है पहले मैच में इनको मौका देना चाहिए, बाद में जो जी परफॉर्मेंस नहीं करा उसको रिटेन कर देना चाहिए, उसकी जगह उसको जैसे हमारा मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं चला तो उसकी वजह से उनको हम ला सकते हैं। जी ये परफेक्ट। मेरी प्लेइंग 11 में पहले रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद 1 डाउन आएंगे कोहली, 2 डाउन आएंगे सूर्या, 3 डाउन पंत, 4 डाउन हार्दिक पांड्या, फिर जडेजा, कुलदीप यादव, चहल, क्योंकि मुझे लगता है कि कुलचा कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, और अब तक हमेशा परफॉर्मेंसेज जब साथ में खेले हैं माही के अंडर भी, तो वहां पे बहुत अच्छा रहा है, और मुझे लगता है दोनों ही काफी अच्छे फॉर्म में है, चाहे आप कुलदीप यादव की बात करिए DC के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप चहल की बात करिए राजस्थान के लिए अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट RCB में थे वहां पर चिन्नस्वामी जैसे छोटे स्टेडियम में भी बहुत अच्छा विकेट्स लेते थे और बहुत अच्छी तरीके से बॉल डालते थे, तो वो एक तो काफी दिमाग लगा के बॉल डालते हैं, अगर उनको लगातार बाउंड्रीज पड़ रही हैं तब भी उनको उस चीज का प्रेशर नहीं लेते हैं और विकेट के पीछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि चहल और कुलदीप दोनों की जगह बननी चाहिए, उसके बाद मैं बुमराह और अर्शदीप को प्रेफर करूंगा, क्योंकि आई थिंक अर्शदीप इज अ फार बेटर बॉलर देन सिराज व्हेन इट कम्स टू T20 वर्ल्ड कप, व्हेन इट कम्स टू तो मतलब T20। आप दो फास्ट बॉलर के साथ और तीसरे आपके मतलब रहेंगे सीमर, मीडियम पेसर हार्दिक पांड्या। हाँ मैं अभी भी पांड्या के साथ जाऊंगा, क्योंकि पांड्या मुझे लगता है कि स्टिल शिवम दुबे से बेटर बॉलर है, बैट्समैन की बात करेंगे तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। शिवम और हार्दिक दुबे पांड्या को वाइस कैप्टेंसी भी मिली है, तो मुझे लग रहा है कि उनको तो प्लेइंग 11 में खेलना ही होगा, उनका तो कंफर्म डे है कि वो हर मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। मेरा बस जी इसमें यही है कि तीन तीन आप अगर जो मैं जाना चाहूंगा वो उसमें तीनों सीमर्स के साथ जाके, और जो सर ने सेलेक्ट किया था कि कुलदीप यादव, उनको शुरुआत में मौका मिल सकता है, बाकी बस मेरा एक ही चेंज होगा कि ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर पर वो उस तरीके का फिनिशिंग रोल कर पाएंगे, तो संजू सैमसंग मेरे भी फर्स्ट विकेट कीपर ही प्रेफरेंस रहेंगे, और 4th नंबर पर सूर्या होके ये टीम का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आपके लेफ्ट अगर बैट्समैन की बात करें तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, और बीच में खेलने के लिए जो जडेजा को हमने भी देखा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी, वो जरूरी नहीं है कि वो 6 या 7 नंबर पे भी आ रहे हैं, अगर जल्दी विकेट्स गिरते हैं तो वो एज अ फ्लोटर आपके लिए बीच में खेलने भी आ सकते हैं, और आप फिनिशिंग फिर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे इनसे करवा सकते हैं, जडेजा जी को आप उस तरीके से रखें, और कुलदीप यादव, चहल और जडेजा खेलेंगे तो हमारे पास स्पिनर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फिर हम उस तरीके का कॉम्बिनेशन देखें तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप पे बहुत प्रेशर आ जाएगा शुरुआत में बॉलिंग करने का भी और डेथ ओवर्स में भी, क्योंकि फिर आपको मिडल ओवर्स में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको मुझे लगता बुमराह है को कि यूज करना पड़ता है विकेट्स के लिए। जी मुझे लग रहा है कि रिंकू कंक्लूजन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मुझे लगता है वो प्लेइंग 11 में शायद वो उस हिसाब से बैठ नहीं पा रहे थे सही से, शायद इसलिए जी इंक्लूजन नहीं हुआ है, बट इन इन माय ओपिनियन उनका इंक्लूजन होना चाहिए था, क्योंकि अब तक इंडिया के लिए कुछ खराब नहीं किया है, इनफैक्ट KKR के लिए भी लास्ट 2-3 सीजन उनके काफी अच्छे गए हैं, और इंडिया के बेस्ट फिनिशर इस टाइम रिंकू सिंह है, तो उनका प्लेइंग 11 में जगह बनती थी, और यहाँ पे मुझे मतलब सरप्राइज हूं मैं कि 15 मेंबर स्क्वाड में उनकी जगह नहीं। जी ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला ही। बस मेरा लास्ट दोनों ही आपसे एक सवाल होगा, हमने प्लेइंग 11 पे भी बात कर ली और कौन कौन से प्लेयर्स को अभी तक मौका नहीं मिला था, और IPL परफॉर्मेंसेस बात करें या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देखें, दोनों जगह से ही हमें कुछ प्लेयर्स का इंक्लूजन मिला है, जिसमें चहल का भी नाम है, संजू सैमसंग का भी नाम है, जिनका काफी नाम से हम फैंस तो नाम उनका सुन रहे थे लेकिन टीम में उनको जगह नहीं मिल रही थी, और अब सीधे उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका वीजा कट चुका है, तो सर मेरा बस यही है कि कौन लग रहा है कि सबसे बड़ा मैच विनर हो सकता है पूरा, अगर हम टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए जो टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर हम पूरा सीरीज को देखें तो? पूरे टूर्नामेंट में तो विराट कोहली तो देखो अपनी परफॉर्म में ही है, मेरे को जैसे नए बच्चा जायसवाल से पूरी उम्मीद है, वो कुछ एक नया ही करके दिखाएगा। जी
तो जायसवाल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी लास्ट सीरीज जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जरूर वो फॉर्मेट अलग था, टेस्ट फॉर्मेट था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। तो जायसवाल अभी धीरे धीरे वो फॉर्म में आ भी रहे हैं। अगर हम आईपीएल फॉर्म की बात करें तो पहले कुछ मैचेस में उनका नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके अब अगर हम देखें कॉन्ट्रीब्यूशन तो वो बढ़ते जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी। तो हो सकता है कि वो अब इंडियन टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म करे, ये हम सब उम्मीद करेंगे। लव आपका इस पे क्या टेक है, कौन सा प्लेयर होना चाहिए जो मैच विनर हो सकता है? देखिए मुझे लगता है बॉलिंग में कुलदीप यादव बहुत ही अच्छा करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है इस टाइम, और काफी टाइम से जब से डीसी में आए इनफैक्ट तब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। और बैटिंग की बात करूँ तो मैं भी यशस्वी जायसवाल के साथ जाऊंगा, मुझे लगता है कि उनका ये टूर्नामेंट काफी अच्छा रहने वाला है। जी, और मेरे लिए पता नहीं इस बार भी नाम विराट कोहली ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का उनके पास T20 वर्ल्ड कप में खेलने का एक्सपीरियंस है। देखिए और विराट कोहली तो हम मान के चलते हैं, विराट कोहली तो मान के चलते हैं कि करेंगे परफॉर्म अच्छा, क्योंकि जहां प्रेशर मैचेस होते हैं वहां विराट के अलावा इंडियन टीम में बहुत कम प्लेयर्स ऐसे जो अपना गेम उतना स्टेप अप कर पाते हैं। जी, क्योंकि उनकी स्टैट्स भी आप देखिए कुछ इसी तरीके से हैं कि 81 का एवरेज चल रहा है अभी तक T20 वर्ल्ड कप में और 1100 से ज्यादा रन्स हैं। तो जो वो एक्सपीरियंस है, और बड़े क्रंच मैचेस जो हमने पिछली बार भी देखा पाकिस्तान के खिलाफ, उस मैच में भी बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर हम वो मैच जीत गए, क्योंकि विनिंग परसेंटेज भी हमारे फेवर में नहीं था, तब भी हमने वो मैच निकाला। 18 गेंदों में 48 रन चाहिए थे। तो उन सिचुएशंस में विराट कोहली से मेरे को लगता है कि मेन मैच विनर्स हो सकते हैं। और देखा जाएगा कि अब शिवम दुबे को किस तरीके से टीम इंडिया इंक्लूड करती है, क्योंकि हम उनकी जो पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज है वो तो देख रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में कैसे बैठते हैं वो देखने की बात है। तो सर, हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। काफी ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहा, जहां पर हमने प्लेइंग 11 टीम इंडिया का जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर बात करी है। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों से भी कहूंगा कि आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम अपने अगले लाइव सेशन में जरूर उन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। जितने भी आप सवाल है वो हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक शेयर और कमेंट करें और DNA के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज IPL का मैच भी आपके लिए हम जल्दी अभी आने वाला है, जिसमें रोहित शर्मा आज बर्थडे बॉय खेलेंगे, मुंबई इंडियंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट से भिड़ने वाली है, वो भी अब कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।